शहर में संचालित प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार फीस में बढ़ोतरी करने और री एडमिशन के नाम पर मनमानी शुल्क लेने के खिलाफ में जिला प्रशासन ने स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में छात्रों के परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा था, स्कूलों से ही किताबें और ड्रेस खरीदे। निजी स्कूलों के दबाव के कारण छात्रों के परिजनों ने स्कूलों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, जो कि लगातार किया जा रहा था। इस तरह से बढ़ते आंदोलन को देखते हुए कलेक्टर ने निजी स्कूलों के संचालकों की बैठक ली और आदेश दिया किसी भी तरह की कोई फीस नहीं बढ़ाई जाए और न ही कोई किताब या फिर ड्रेस के लिए दबाव बनाया जाएगा। अगर किसी ने इसके पालन नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के आदेश के बाद लोगों ने आंदोलन समाप्त किया। जो पुस्तक क्रय के संदर्भ में एक शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसके संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि मोनोपोली नहीं होगा और स्कूलों से खरीदने में कोई बाध्यता नहीं है, इसको पूर्ण रूप से इन्फोर्स किया जाएगा। दूसरा जो बिंदु था वो रीएडमिशन फीस है, तो उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को उसी स्कूल में अगर वो फिर यानी पांचवी का बच्चा छठवीं में जाता है तो रीएडमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। मनमानी तो री एंट्री का था, पहले जो एडमिशन जो था तो फर्स्ट में भी ले रहे थे नर्सरी के बाद, उसके बाद फिर हाई स्कूल ऐसा लेके मतलब री एंट्री के नाम पे उन लोग ले ही रहे थे। अभी जो कलेक्टर साहब के कारण कुछ दबाव जो हुआ फैसला हुआ उसमें हम लोग बहुत खुशी।